हस्तकला सेतु योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक परियोजना है जो कमिश्नर कुटीर और ग्रामीण उद्योग द्वारा संचालित की जाती है। इसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। मैं बूथ से हेमा ठक्कर, मैं कच्छ का ट्रेडिशनल आर्ट मर्ड एंड मिरर वर्क कर रही हूँ और EDI का जो प्रोग्राम सब हो रहे हैं उसमें हमको अच्छा एक प्लेटफॉर्म पूरा देते हैं, तो उसमें एग्जीबिशंस होते हैं, खरीदारी होती है, तो उस हिसाब से हमको प्रमोट करते हैं। ये हजारों साल पुराना आर्ट है जो पहले ओनली वाइट होता था और गोबर और मिट्टी को मिक्स करके करते थे, पर ये मोटा वर्क होता था और टाइम जाते वो निकल जाता था, पर ये हमने परमानेंट किया है और बारीक काम किया है। तो ये हमने उसके लिए, ये काम करने के लिए हमको एक प्लाई बोर्ड चाहिए। MDF लो तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो फिनिशिंग वाला आता है, और उसके बाद ड्राइंग के लिए पेंसिल्स, रबर्स, स्केल्स, कंपास और मिट्टी, कलर्स, मिरर और डेकोरेटिव करने के लिए हम कहीं कहीं स्टोन भी यूज करते हैं। और इन सब से पूरा पूरा मिला के आपका मड आर्ट तैयार होता है। मड आर्ट तैयार तो थोड़ा सा मुझे प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे आप इसको पूरा प्रोसेस करते हैं? जी, तो ये पहले जैसे हमने ये चार फुट डायमीटर का ये हमने राउंड लिया है, तो उसके ऊपर पहले प्राइमर लगा के फिर ये ड्रॉइंग किया है। पूरा ड्राइंग करके फिर ये मिट्टी से ये काम करते हैं। ये मिट्टी कोन में ये मिट्टी भरा है और इसको हम ऐसे ड्राइंग के ऊपर लेके जाते हैं। हाँ, सूखने में टाइम तो थोड़ा बहुत लगता है, जैसे इधर किया तो उधर का सूखता गया क्योंकि ये एकदम धीरे से करना पड़ता है, तो एक तरफ करते हैं तो दूसरी तरफ सूखता जाता है उसमें। तो पूरा दिन उसके पीछे बैठना पड़ता है तब जाके कंप्लीट होता है। ये मिट्टी का काम हो जाने के बाद पूरा ड्राई करने का, ड्राई हो जाने के बाद ये रोलर है स्पंज का, उससे हम काम करते हैं, तो उससे फिनिशिंग अच्छा आता है। तो ये जो कलर है प्लास्टिक पेंट, उसमें डिप करके ऐसे करने का, तो ये पूरा कवर कर लेगा कलर से। ये एक कोट हो जाने के बाद पूरा ड्राई करने का, फिर दूसरा कोट करने का, दूसरा कोट ड्राई हो जाने के बाद फाइनल कोट आएगा तीसरा, और वो एकदम सूखने के बाद फिर अंदर का कलर फिलिंग होएगा। एक कोट इसके पीछे आता है तो क्या है कि वो रेजिस्टेंस हो जाता है, इसके बाद ये कलर फिल होता है। जैसे इसमें हमने कलर किया है तो जो भी कलर करना है, तो ये कलर ऑरेंज भरा, फिर मल्टी कलर करना है तो मल्टी कलर यूज करते हैं। ओके, उसके बाद ये लाइनिंग आता है, आउटलाइन, 000 नंबर का ब्रश होता है, उससे ये आउटलाइन होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद ये फाइनली मिरर लगते हैं, और डेकोरेटिव करना है तो फिर ये ऐसे स्टोन्स लगाते हैं कलरफुल। ओके, स्टोन और कुंदन है, जैसे उसमें फिर हम अलग अलग चीजें बनाते हैं, जैसे ये पैनल्स हो गया, ये वॉल फ्रेम हो गया, फिर ये तोरण हो गया। ओके, उसमें फिर हैंगिंग्स आते हैं, तो ये सब अलग अलग कॉर्नर स्टैंड है, फिर ये जैसे राउंड है तो ये राउंड सीलिंग पे लगेगा। ओके, वॉल पे भी लग सकता है, सीलिंग के फैन के सेंटर में लगेगा। ओके, तो ऐसे हम लोग अलग अलग चीजें बनाते रहते हैं, जैसे की होल्डर्स भी हो गया, शुभ लाभ हो गए दिवाली के टाइम के लिए। तो अगर जैसे आज की युवा पीढ़ी अगर मड आर्ट के अंदर आना का सोच रही है कि हमें इसको सीखना है, तो क्या आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पाएंगे? मेरे से ऑलरेडी 150 लड़कियां सीख के गई हैं। सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक टाइम, एक शेड्यूल निकाल के थोड़ा सा सिखा दें तो और भी लड़कियों को रोजगारी मिल सके इसकी वजह से। और अगर कोई आपकी ये प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, अगर खरीदना चाह रहा है, तो क्या आप इनको कुरियर के माध्यम से या फिर उनके ऑफिस या घर तक पहुंचवा पाएंगे? मैं, हाँ जी, डेफिनेटली कुरियर से कर देंगे, और ट्रैवल्स में भी जाता है, ट्रेन, बाय ट्रेन भी जाता है, और अगर कोई आगे सेल करने चाहे तो होलसेल में भी मिल जाएगा। और अगर कोई इसमें कस्टमाइजेशन बोले कि भाई हमें ऐसी डिजाइन नहीं, कुछ अलग टाइप की डिजाइन चाहिए, तो मिल सकती है? हाँ जी, हो जाएगा। हम लोग ये जो आपका जो साइज है, जैसे ऑफिस में है, घर में है, रेस्टोरेंट में है, तो हम लोग आपकी साइज और डिजाइन के हिसाब से कस्टमाइज भी कर देते हैं। ये जो राउंड है तो ये कस्टमाइज ही कर रहे हैं, ये 4 फुट का है, फिर उसमें 3 फीट का डायमीटर का है और उससे छोटा 2 फीट का है, तो ऐसे 2 सेट हमने कस्टमाइज किए हैं कस्टमर के लिए।
जो लोग जो आर्टिजन्स ड्राइंग कर सकते हैं वो ड्राइंग भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ड्रेसिंग पेपर पे एक बार डिज़ाइन बना के हम लोग रखते हैं, क्योंकि हमारी एक एक डिज़ाइन 100-100 पीस का होता है चालू। ओके, तो 100-100 पीस बनाते हैं तो ऐसे डिज़ाइन बना के ड्रेसिंग पेपर पे कर देते हैं। जैसे हमने हेक्सागोन का पीस लिया है ये MDF का, उसके ऊपर एक बार एक कोट प्राइमर लगा के सूखने दिया। सूख जाने के बाद ये इधर ये जो ट्रेसिंग है हमारा इसको सेट करके फिर ये नील और टर्पेंटाइन के साथ इसको हम घुमाएंगे तो ये ट्रेस हो जाएगा। क्योंकि ड्राइंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमारा एक साथ 100-100 पीस एक एक डिज़ाइन का होता है, तो हम ऐसे डिज़ाइन बना के रख देते हैं और ऐसे छाप देते हैं। तो ये डिज़ाइन इसके ऊपर उभर के आ गया, इसके ऊपर हम मिट्टी से काम कर सकते हैं। अभी ये इसके लिए हम बनाते हैं कि हमारा एक एक डिज़ाइन का 100-100 पीस बनता है, तो 100 पीस डिज़ाइन करने में ड्राइंग करने में 10 दिन लग जाता है, और ऐसे अगर हम काम करेंगे तो 2 घंटे में 100 पीस में छप जाएगा ये। एग्जैक्टली, मतलब स्पीड बहुत ही फास्ट हो गई, स्पीडी काम होता है। एग्जैक्टली, मतलब मड आर्ट का पूरा अपग्रेडेशन हमने ला दिया यहाँ पे। हाँ जी। और अगर जैसे आज की कई अलग अलग कलाएं भी मार्केट में है, हाँ, तो उन लोगों के लिए कुछ अपने हिसाब से सुझाव देना चाहेंगे आप? कच्छ के अंदर बहुत सारे कलाकार हैं और कला भी बहुत है जो पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो मैं बोलना चाहूंगी कि अगर हम लोग और ऑल आर्टिजन्स अगर कुछ ना कुछ नया एडिशन करते जाएं तो हमारा रोजगार भी आगे बढ़ेगा और लोगों को भी कुछ नया नया मिलता जाएगा, तो कस्टमर भी खुश, हम भी खुश।